बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास में लेक्चर नंबर 24 और चैप्टर नंबर थ्योरम्स का 11। चैप्टर नंबर 11 के भी थ्योरम आपने याद नहीं करना, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं और थ्योरम की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है वो एमसीक्यूज के लिए। आइए, इस चैप्टर का नाम है क्वार्ट्स एंड आर्क्स। सबसे पहले हम इन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है आर्क। आर्क किसे कहा जाता है? एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस विल बी नोन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। ये स्टूडेंट, ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, ये सर्कल है, ये पूरे सर्कल में ये सेंटर वो है। मैंने आपको बताया था कि टोटल जो सर्कल का बाहर का हिस्सा होता है उसे सर्कमफेरेंस कहा जाता है। सर्कमफेरेंस के लिए आपके सामने ब्लैक में जो लाइन लगी हुई है ये आर्क है। आप सर्कमफेरेंस के कहीं से भी लाइन लगाएंगे तो आर्क दिखाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, तो ये कोई भी पोर्शन ले लेंगे सर्कमफेरेंस का तो क्या दिखाएगा? आर्क दिखाएगा। दूसरी डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट क्वार्ट्स ऑफ द सर्कल। ये बहुत मशहूर डेफिनेशन है क्वार्ट्स ऑफ द सर्कल। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड क्वार्ट ऑफ द सर्कल। आइए अब आपको फिगर की तरफ ले चलता हूँ। आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, इस फिगर में देखें ये सर्कल है और सर्कल का जो बाहर वाला हिस्सा टोटल सर्कमफेरेंस है। अब सर्कमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट, मैंने यहाँ ए और बी लिया, ये लाइन आपके सामने जा रही है ये भी क्वार्ट कहलाएगा। ये सी और डी मैंने ले लिया ये भी क्वार्ट कहलाएगा। अगर मैं ये तो ये ई और एफ ये भी क्या कहलाएगा? क्वार्ट कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात याद रखनी है कि दरमियान से सेंटर ओ को डायमीटर होगा, इसे लाइन नहीं लगानी क्योंकि वो डायमीटर के तरफ चला जाएगा, क्वार्ट नहीं कहलाएगा। उसके बाद है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बार बार यूज हो रहा था इसलिए इसकी डेफिनेशन बताना जरूरी था। द बाउंड्री ट्रेस बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये सर्कल है और ये कोई भी पॉइंट है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इस तमाम का तमाम बार ऐसा कोई भी आप मूव करेंगे पॉइंट को तो वो सर्कमफेरेंस कहलाएगा। याद रखिए ये सर्कल का बार वाला हिस्सा सर्कमफेरेंस कहलाएगा। उसके बाद है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये भी मशहूर डेफिनेशन है। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, वो कहते हैं कोई भी सर्कल का पोर्शन हो उसे बाउंड कर दें एक आर्क के साथ एंड और क्वार्ट इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक आर्क होना चाहिए एक क्वार्ट, जैसे कि आपके सामने फिगर में अगर गौर करेंगे ये सर्कल वो है, ये आपके सामने रेड लाइन जो जा रही है ये नजर आपको आ रही होगी, ये रेड लाइन, ये रेड लाइन जो है वो क्वार्ट है और नीचे जो ब्लैक लाइन जा रही है आपके सामने, ये ब्लैक लाइन जो है ये आपके सामने नजर आ रही होगी, ये ब्लैक लाइन जो है ये आर्क है। आर्क और क्वार्ट का ये जो हिस्सा है ये आपको समझ आ रही होगी, ये पूरा सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाएगा। उसके बाद है सेक्टर ऑफ सर्कल। डियर स्टूडेंट, सेक्टर ऑफ सर्कल भी अहम है। द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, यानी आर्क घेरा गया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू कॉरस्पोंडिंग रेडियस एंड यानी रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब फिर आपको मैं चलूंगा, दोबारा देखें ये सर्कल है टोटल। डियर स्टूडेंट, ये ब्लैक लाइन में जो जा रही है लाइन नीचे, आपको फिर मैं निशान नहीं कर देता हूँ, ये जो लाइन है ये आर्क है और ये जो ब्लैक लाइन है दोनों मुझे नजर आ रही है, जो सर्कल वो के साथ मिल रही है, ये रेड लाइन जो है ये रेडियस कहलाता है, ये दो रेडियस है और ये आर्क है, इन दोनों का जो बाउंड करता है वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसे सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन की है विद डायग्राम एक्सप्लेन की है, ये आपने नीट रजिस्टर पर तमाम डेफिनेशन विद डायग्राम लिखनी है, ये चेक होगा। अब आइए इस चैप्टर के एमसीक्यूज की तरफ, जो बहुत ही अहम एमसीक्यूज हैं, ये मैं फिर आपको निशान लगवा देता हूँ एमसीक्यूज को, आप अच्छे तरीके से इन एमसीक्यूज को याद करना है। पहला एमसीक्यूज है कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सब्सटेंट
a central angle of 60 degree, the radial segment of this circle, solve the charge centimeter chord, so radial segment be 4 cm, D option. The length of a chord and the radial segment of circle are congruent. The dono congruent, the central angle made be by the chord will be 60 degree. So kya hoga dear student, 60 degree hoga, yes, C option. How of the two congruent arcs of a circle, if one arc make a central angle of 30 degree, then the other arc, sahaja dusra jo arc hoga, wo bhi will be stand hoga, to wo bhi central angle 30 degree hoga, D option. Chautha MCQ, an arc sustained a central angle of 40 degree, the corresponding chord will sustain a central angle, APTS will have 40 degree hoga. Panchwa MCQ, a pair of chords, you know them MCQs, a pair of chords of a circle sustained in two congruent central angle is sabse jo chords unke congruent central angle ke to ye bhi congruent kehlayega. A option. If an arc of a circle sustain a central angle of 60 degree, then the corresponding chord of the arc will make the central angle, tab wo bhi 60 degree hi banayega. Uske baad aage MCQ number 7 pe, the semi circumference and of the diameter of a circle both sustain a central angle, jab semi circle hai to ye 180 degree ho jayega. 8th MCQ, ye D option tha. 8th ka aage the chord length of a circle sustaining a central angle of 180 degree is always double ho jayegi, to ye C option aayega, 8th ka double of the radial segment. 9 MCQs, if a chord of a circle sustain a central angle of 60 degree, then the length of the chord and the radial segment are congruent, ye A option hoga. Aur aakhri ho 10th MCQ, the arc opposite to incongruent central angle, incongruent central angle hai, the circle of arc always incongruent hoga. Ye 10 MCQ, iska jo 10th MCQ option tha wo B tha. To dear student, उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर की थ्योरम की तमाम स्टेटमेंट आप एमसीक्यूज के लिए तैयार रखेंगे. ये तमाम डेफिनेशंस आप अपने नीट रजिस्टर में डायग्राम लिखेंगे, ये चेक होंगे और एमसीक्यूज मैंने आपके सामने तमाम के निशान लगवा देंगे. उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे.